नमस्कार साथियों, आज हम किराना व्यापार के अंतर्गत प्रयोग में आने वाली प्राइस लिस्ट के बारे में समझेंगे कि जब हम एक किराने का व्यवसाय कर रहे हैं और उस व्यवसाय और व्यापार में दो प्रकार के ग्राहक हमारे पास आते हैं। एक ग्राहक हमारे पास होलसेलर बनाता है, जो होलसेल में हमसे माल खरीद के ले जाता है। दूसरा एक वह ग्राहक है जो रिटेल में हमसे माल खरीद के ले जाता है। तो ऐसे में हम उनके लिए प्राइस लिस्ट बना करके रखें, तैयार करके रखें, ताकि जब होलसेलर वाला आए तो उसके लिए हम लागू करें होलसेलर प्राइस लिस्ट, और जब रिटेल का कोई व्यापारी है तो हम उसे रिटेल का माल दे सकें और उसके हिसाब से उसका प्राइस लागू हो। अब किराने की यदि हम बात करें, किराने व्यापार की बात करें, तो किराना एक यूं कह दें कि अधिकांशतः प्रोडक्ट इसमें होते हैं, कई मात्रा में प्रोडक्ट होते हैं, कई छोटे प्रोडक्ट होते हैं, बड़े प्रोडक्ट होते हैं। तो यदि हम उसके लिस्ट की बात करें या उस कंसेप्ट को हम समझे, तो हमें काफी बड़ा लिस्ट यहाँ पर, काफी बड़ा डेटा हमें यहाँ पर तैयार करना होता है। लेकिन चूंकि अभी हमें समझना है, तो एक बार इसको यदि कंसेप्ट को समझ लेते हैं और हमारे पास जो रियल डेटा होता है उसके आधार पर हम इसको तैयार करते हैं, तो हमारे काम को टैली बहुत आसान कर देता है। चलिए, तो आज के इस लाइव क्लास कंसेप्ट के अंतर्गत हम समझते हैं किराना व्यापार के अंतर्गत किराना व्यापार का प्राइस लेवल या प्राइस लिस्ट तैयार कैसे करें। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा डेटा यहाँ पर तैयार किया है और इस सूची के अंतर्गत हमने कुछ आइटम्स लिए हैं। जैसे हमने यहाँ पर आइटम में राइस लिया, चावल लिया है, और चावल की कई वेराइटीज होती हैं, तो वो उसमें आप कैटेगरी में डाल देंगे। चावल में भी यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे, कौन सा चावल है, बासमती चावल है, परमल चावल है, और उसमें भी अलग अलग टुकड़ी है, बड़ी टुकड़ी है, छोटी टुकड़ी है, उसमें भी अलग अलग ब्रांड होते हैं। तो वो आप सब एक प्रोडक्ट के अंतर्गत जितने भी आएंगे वो आप डाल देंगे और उनका ग्रुप जो डालेगा वो चावल ही रहेगा, ठीक है। दूसरा उसका प्राइस, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो हमने लिया है ये परचेस प्राइस है, और अलग अलग क्वालिटी और ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका प्राइस अलग हो सकता है। तो जो भी उसका प्राइस होगा, बाकी प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल जो बनेगा वो सेम तरीका होगा, यही पद्धति होगी, और इसके आधार पर ही हम उसको तैयार करेंगे। एक अनुमानित रेट लेकर के चलें, तो उसी के आधार पर हमने तैयार किया कि 35 से 40 रुपए का ये चावल होता है, जिसको हमने परचेस 32 रुपए में किया है, और ये मार्केट प्राइस है कि इतना रेट मार्केट में चल रहा है। अब हमने स्टार्टिंग से तो एंडिंग मान लिया है कि 35 रुपए से 40 तक का, और हमने इसमें रिटेल वैल्यू 35 रुपए ही लेकर के हम चल रहे हैं, कि माना है कि वो चावल जो हम जिसका आइटम हमारे पास जो है उसका रेट जो है हमारे पास जो है रिटेल प्राइस, वो हमारे पास माना है कि 35 रुपए है। दूसरा, हम उसी प्रोडक्ट को जब होलसेलर को देते हैं तो होलसेलर के लिए हमने यहाँ पर 33 रुपए और 25 पैसे का निर्धारण किया है, यानी रिटेलर से हम होलसेलर को 5% कम रेट में यहाँ पर देते हैं, ताकि होलसेलर जो हमसे लेकर जाता है वो भी रिटेल में कहीं ना कहीं बेचता है, तो 5% का मुनाफा उसे हो जाए। चलिए, तो अब हमें इसी का यहाँ पर तैयार करना है प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल। तो पहले तो हमें इन आइटम्स का परचेस लिस्ट तैयार कर लेना है, या स्टॉक ग्रुप आप तैयार करें जैसा आप चाहें। तो अभी हम परचेस से लेकर के चल रहे हैं ताकि हमारे पास स्टॉक यहाँ पर खड़ा हो जाए और हमारी एक परचेस की एंट्री भी हो जाए, और उसी में हम आइटम ग्रुप और यदि कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है तो आप कैटेगरी डाल दीजिए, प्राइस आप जो भी आपके पास अवेलेबल है परचेस प्राइस वो आप यहाँ पर डाल देंगे। हम इसी मानक इकाई को लेकर के चलेंगे और उसके आधार पर हम टैली में काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने आज का जो कंपनी क्रिएट किया है वो किराना स्टोर ही है, और हम सबसे पहले परचेस की एंट्री यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो परचेस हम यहाँ पर ले लेंगे, परचेस में हमारे पास हालांकि एक परचेस छोटी सी लिस्ट बनी है, हम चाहेंगे कि उसी को हम अपडेट कर लें। तो ये परचेस की हमारी है जय एंड सन्स से हमने माल खरीदा है, और ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। परचेस परचेस अकाउंट में जाएगा, यदि इसमें जो कुछ आइटम यदि टैक्सेबल है तो आप परचेस टैक्सेबल ले लीजिए, और आइटम के ऊपर ही निर्धारित कर देंगे, जैसे राइस है, चावल है, यदि टैक्सेबल नहीं है तो यहाँ पर हम इसको नो करेंगे, इसमें कोई टैक्स नहीं है, या नील में हम इसको डाल देंगे, जैसे जीएसटी टैक्सेबल यहाँ पर रखेंगे, यस करेंगे इसको, और ये छूट के अंतर्गत यदि आता है तो यहाँ पर नील रेट हम डाल देंगे, तो इस पर नील रेट लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो जो आइटम्स हैं वो निर्धारित कर दीजिएगा। तो
ये चावल, अब चावल का भी हमने यहाँ पर एक और चीज जो समझना है वो ये है कि जैसे ये चावल है और चावल का अंडर ग्रुप आता है, ये चावल कौन सा है, ये चावल चावल परमल चावल है या बासमती चावल है, तो वो आप डाल दीजिए। अब ये बासमती तो इतना कम रेट का हो नहीं सकता है, तो हम डाल देते हैं परमल। चावल परमल ये हम डालेंगे, थोड़ा सा स्पेस इसमें आ गया है। और अंडर ग्रुप यहाँ पे चाहे तो आप क्रिएट कर लें, और ये है चावल। हिंदी में टाइप करने के लिए हम गूगल इनपुट टूल यूनिट का यूज कर रहे हैं, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम। कैटेगरी यदि आती है उसकी, कौन सा चावल है, परमल में भी छोटा है टुकड़ी है, तो आप उसकी कैटेगरी निर्धारित यहाँ पे कर दीजिए अल्टर सी से। जैसे पूरा चावल है तो यहाँ पर हम यूनिट पूरा चावल है ये। इसी प्रकार आप चाहें तो उसकी कैटेगरी टुकड़ी है तो टुकड़ी का निर्धारण कर दीजिए। दूसरा यूनिट की बात करें तो हमने केजी लिया है, अल्टरनेटिव यूनिट क्विंटल लिया है, ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब परचेज का क्वांटिटी, माना कि हमने जो है कि 100 किलो चावल खरीदा यानी 1 क्विंटल यहाँ पर आ गया है। रेट क्या है, तो हमारा परचेज रेट हम चावल का डालेंगे, रेट हमारा 32 रुपये और 55 पैसे है, तो हम यहाँ परचेज प्राइस 32 रुपये और 55 पैसे जो इसमें बाई डिफॉल्ट रहेगी। आटा है तो आटा भी इसी प्रकार से आप चाहें तो अल्टरनेटिव का यूज बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं उसका, हिंदी में चाहें तो गूगल इनपुट टूल का यूज कर सकते हैं और चाहें तो इंग्लिश में बना सकते हैं। और इसका जो रेट है वो 25 रुपये है, 25 रुपये 11 पैसे परचेज रेट है, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। इसी प्रकार अगले आइटम से हम यहाँ पर ले लेंगे, और अगला आइटम है हमारा मिक्स दाल, तो हम इसको लेंगे और इसका भी ग्रुप बना लेते हैं। अंडर ग्रुप दाल दाल में चला जाएगा, तो अल्ट सी से इसका ग्रुप बना लेंगे हम। ये डाल देंगे हम। कैटेगरी यदि है दाल में भी कौन सी दाल है, अलग अलग पॉलिश है, विदाउट पॉलिश है, जो भी क्वालिटी है उसकी कैटेगरी हम डाल देंगे। यूनिट ऑफ मेसर हम इसको किस में मापते हैं, तो फर्स्ट यूनिट हम केजी में मापते हैं, और अल्टरनेटिव इसकी क्विंटल है, और एक क्विंटल यानी 100 केजी हम यहाँ पर निर्धारित कर देंगे। और यहाँ पर हम 100 केजी लेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें इसका जो रेट है मिक्स दाल का वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। मिक्स दाल का हमारा 88 रुपये और 35 पैसा है, तो हम वही रेट यहाँ पर डालेंगे, 88.20.25, तो ये 8825 रुपये यहाँ पर आ गया है। अब इसी प्रकार चना दाल है, तो मिक्स दाल हो गई और चना दाल हो गया, तो चना दाल को हम लेंगे अल्टे सी से इसका ग्रुप बना लेंगे। चना दाल अंडर ग्रुप आ जाएगा ये दाल के, ये हम लेंगे। नॉट एप्लीकेबल है, कैटेगरी अभी हम लागू नहीं कर रहे हैं इस पर, केजी और इस क्विंटल में हम लेंगे। सेम उसी प्रकार हम यहाँ पर क्रिएट करते जाएंगे। ये भी हम ले लेते हैं 100 केजी, और इसका जो रेट है वो हम 57.66 है परचेज प्राइस, तो वही हम डाल देंगे। फिफ्टी 7.6 है, हमने 56 कर दिया, तो हम करेंगे 57.66, ये हमने डाल दिया। एक और आइटम ले लेते हैं हम, इस प्रकार से 5 आइटम तकरीबन लेते हैं। दाना चीनी, चीनी है, शक्कर है, शक्कर डालना चाहे शक्कर डाल लें, चीनी डालना चाहे चीनी डाल दें जैसा आप चाहते हैं। और चीनी अंडर ग्रुप चीनी में चला जाएगा, अल्टे से हम इसका अंडर ग्रुप बना लेंगे। यूनिट हम चीनी को भी केजी में लेंगे, और क्विंटल अल्टरनेटिव भाई 1 क्विंटल यानी 100 केजी ये हम ले लेंगे। इसी प्रकार लीटर वाला मामला जो भी रहेगा, जैसे ऑयल वगैरह है, तो वो आप लीटर में ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे 5 आइटम यहाँ पर हो गए हैं।
और चीनी का जो परचेज प्राइस है 186, ये देसी चीनी, ये दाना चीनी है और इसका रेट 186 है, तो हम वही रेट यहाँ पर डालेंगे। इसमें जो भी रेट आपको मिलता है उस रेट के हिसाब से आप पूरा जो कि स्टॉक अपडेट कर लीजिएगा, उसके अंदर ग्रुप उनकी कैटेगरीज वो पूरा कंप्लीट सही से जब आप डिक्लेयर करेंगे तो आपको प्राइस लिस्ट में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि इनमें कोई टैक्सेबल है तो आप उसका टैक्सेबल लागू कर सकते हैं। अभी हमने नील टैक्स यहाँ पर नील रेट लिया है और यह हमारी परचेस की एंट्री हो गई है 38,957 रुपये की। चलिए, तो परचेस हमने कर लिया, इससे हमारा स्टॉक खड़ा हो गया है। और अब हम चलते हैं अगली आगे की ओर। और अगला जो हमारा क्या था, ये परचेस का हमारी एंट्री हो चुकी है और अगला हमारा बीपीटी कहता है कि अब हमें एक प्राइस लेवल बनाना है और उस प्राइस लेवल में हमें बनाना है एक खेसी ग्राहक के लिए और एक थोक व्यापारी के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम यहाँ पर प्राइस लेवल तैयार करते हैं और इसके लिए हम क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट के अंतर्गत आपको मिलेगा प्राइस लेवल और इस प्राइस लेवल में आप खेची ग्राहक और थोक व्यापारी दोनों का प्राइस लेवल बना देंगे। फर्स्टली इसको बनाने के बाद आप जाएंगे प्राइस लिस्ट के अंतर्गत, यहाँ पर किराना सूची उनके वही सूची है और इसके अंतर्गत हमने एक थोक व्यापारी के लिए प्राइस लिस्ट लेवल बनाया है। ये हमारे पास पहले से बना हुआ है तो हम इसी को देख लेते हैं। ये थोक व्यापारी के लिए है और थोक व्यापारी का रेट हम यहाँ पर निर्धारित कर देते हैं हमारी एक्सेल शीट के अनुसार। आटा और चावल का हमने यहाँ पर पीपीटी तैयार करने के हिसाब से यहाँ पर डाल दिया था, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी के हिसाब से नहीं डाल रहे, हम सिर्फ उसका रेट डाल रहे हैं कि एनी कोई भी क्वांटिटी हो, जबकि पिछले क्लास प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत हमने क्वांटिटी भी निर्धारित किया कि इतनी से इतनी क्वांटिटी लेता हो तो ये रेट लागू हो और इतनी से इतनी लेता हो तो ये रेट लागू। लेकिन किराना में अक्सर ऐसा कम होता है कि क्वांटिटी के ऊपर रेट होता है, रेट सीधे सीधे निर्धारित होता है, या तो होलसेल व्यापारी है या वो जो है कि रिटेल का व्यापारी है। तो थोक के लिए हम निर्धारित करना चाह रहे हैं, तो हमारा एक आइटम है आटा। तो आटे का यदि हम बात करें होलसेल का, तो होलसेल का रेट है 25 रुपये और 65 पैसे। क्या हमने सही किया? तो ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया है। और चावल का जो है वो 33 रुपये और 25 पैसे हैं, तो चावल का देख लेते हैं होलसेल के लिए 33 रुपये और 25 पैसे हैं। ठीक है, अगला इसी प्रकार, चूंकि हमने 5 आइटम लिए हैं तो हम वो ले लेते हैं। चना दाल हम निर्धारित करेंगे और चना दाल का रेट हम यहाँ पर डाल देंगे। चना चना दाल का होलसेलर रेट जो है वो 58 रुपये और 9 पैसे हैं, तो हम डाल देते हैं यहाँ पर 58.9, ठीक है, पर केजी। और कोई डिस्काउंट की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। दाना चीनी का रेट हम दे देते हैं। यदि आपके किसी प्रोडक्ट पर आप अपने होलसेलर को डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट निर्धारित आप कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, दाना चीनी है, तो दाना चीनी का रेट हम दे देते हैं 190 रुपये है, तो हम यहाँ पर 190 रुपये डाल देंगे। ठीक है, 186 का हमने खरीदा है और बेचना हमें होलसेलर को जो कि इस भाव में है, तो वो हम डाल देंगे। एक और आइटम हमारा बचा मिक्स दाल। मिक्स दाल का रेट क्या है, तो हमारे पास जो मिक्स दाल का रेट है वो हम यहाँ पे डाल देंगे 90 रुपये और 25 पैसे हैं, तो हम डाल देंगे 90 रुपये और 25 पैसे। ठीक है, ये हमने तैयार कर लिया। इस प्रकार के जितने भी आइटम्स हैं वो आप निर्धारित कर दीजिए। इसके बाद अगला हमारा जो आता है वो है खेरसी ग्राहक के लिए। तो खेरसी ग्राहक के लिए आटे का जो रेट है वो क्या है, तो आटे का रेट रिटेल के लिए 27 रुपये है, हमारा टेली वही कह रहा है 27 रुपये है, 25 का हमने खरीदा है। और चावल परमल का रेट क्या है, तो चावल वाला रेट 35 रुपये है, ये देखिए, इसके लिए होलसेलर के लिए 33 है और रिटेल के लिए 35 रुपये है, तो ये 35 रुपये डाला हुआ है। अब इसी प्रकार हम बाकी भी डाल देते हैं। चना दाल क्या
क्या रेट है। तो चना दाल जो रेट है रिटेल के लिए वो 62 रुपए है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे। इसी प्रकार दाना चीनी, ये जो भी रेट हमारे पास होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ये 200 रुपए हैं रिटेल प्राइस में, वो हम डाल देंगे। और एक है मिक्स दाल, मिक्स दाल का यहाँ पर आप रेट डाल दीजिए। मिक्स दाल का रेट है रिटेल में 95, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 95। तो ये हमने दो लिस्ट यहाँ पे तैयार कर ली है। आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं ऑल प्रोडक्ट को एक बार आपको डेली में लिस्ट में तैयार करना पड़ेगा। और यदि कहीं कोई रेट में संशोधन होता है तो एक बार बनाने के बाद आप उस लिस्ट में जाइए और उन आइटम्स के रेट संशोधन कर दीजिए जिनमें चेंजेस हुआ है, ठीक है। और प्रोडक्ट आइटम के आधार पर आप यहाँ पर लिस्ट बनाइए। अभी हमने स्टॉक ग्रुप जो बनाया है वो एक ही बनाया है। आप हर एक प्रोडक्ट का यदि, क्योंकि थोक व्यापारी के पास भी कई प्रोडक्ट होते हैं, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। तो वो यहाँ पर लिस्ट दो ही बनेगी और वो दो लिस्ट आ जाएगी हमारी खेजी और जो है कि थोक की। तो वो आप निर्धारित करिए, बाकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे चावल है तो चावल का एक ग्रुप बन जाएगा और बाकी आइटम से ये सारे आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनके हिसाब से बना रहे हैं। अभी हम ऑल आइटम के आधार बना करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा पीपीटी क्या कहता है कि इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा। तो दो लिस्ट तैयार कर लिया है, इसके बाद सीधे सीधे अब हम कर सकते हैं सेल। तो अब हम चलते हैं अगला स्टेप हमारा टैली के अंतर्गत, हम करते हैं सेल्स के एंट्री। तो उसके लिए वाउचर में जाएंगे और सेल्स में जाएंगे। सेल्स में हमें केस सेल कर देते हैं, और जो केस सेल कर रहे हैं वो खेसी ग्राहक है, तो क्या रेट आ रहा है, हम खेची को सेल कर रहे हैं। टैक्स है तो टैक्सेबल हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारे प्रोडक्ट है, जैसे आटा लेता है और कितनी क्वांटिटी लेता है। यदि 1 किलो लेता है तो देखिए खिरची के लिए 27 रुपये आ रहा है यहाँ पर 1 किलो आटे का भाव। इसी प्रकार आटे के बाद वो चावल लेते हैं, चावल आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो भी 1 किलो लेता है, तो वो रेट आ गया है 35 रुपये का। इसके बाद चना दाल 1 किलो लेते हैं, तो ये रेट आ गया है 62 रुपये। अब हम इसको मैच कर लेते हैं एक बार हमारे एक्सेल शीट के अंतर्गत कि क्या एक्सेल से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक्सेल सेट रख लेते हैं, और ये हमारा परचेज प्राइस है और ये हमारा रिटेल का प्राइस है। ये देखिए 27, 35 और 62, ठीक है। तो उसी के हिसाब से रेट यहाँ पर आएगा। ये खेरसी वाला है, यदि यहाँ पर अब खेरसी का है आप इसको चाहे तो एक्सेप्ट कर लीजिए, 124 रुपये आए हैं 3 आइटम के 1 किलो के। लेकिन यदि यही प्रोडक्ट जो हम केस बेच रहे हैं और ये थोक व्यापारी के हैं, तो थोक व्यापारी को सेल करते हैं, उसमें हमने चावल बेचा, आटा बेच देते हैं 1 किलो 25 रुपये आया है। इसके बाद हम चना चावल परमल ये भी 1 किलो 33 रुपये आए हैं। और एक और क्या था हमारा, चना दाल ये भी 1 किलो, तो ये 58 है। यानी हमने जब खेरची को बेचा तो वो 124 रुपये का आइटम बिका, लेकिन जब तो हम थोक व्यापारी को बेच रहे हैं तो वही हमारा 117 रुपये का बिक रहा है। तो यहाँ पर रेट में यहाँ पर अंतर आ चुका है, ठीक है। तो आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर लेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रेट आ जाएगा। आपको बस उनका स्टॉक ग्रुप और जो है कि कैटेगरी ये निर्धारित करना है। यदि आपके पास उसकी लिस्ट है पूरी और आप चाहते हैं कि इसका हमें प्रोजेक्ट रियल प्रोजेक्ट वर्क पर हमें काम करना है और उसका एक कंसेप्ट पूरा हमें चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी दे दीजिए,
या कमेंट कर सकते हैं। हम आपको मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, उस मेल आईडी पर आप हमें लिस्ट पहुंचा दीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा तैयार करके आपको प्राइस लिस्ट सेट करके या किस प्रकार से करना है वो हम दे सकते हैं। साथ ही साथ आज के वीडियो क्लास में हमने हिंदी में किया है यहाँ पर, तो ऐसे व्यापारी हैं जो इंग्लिश में जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो हिंदी में अपनी पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हैं, और बखूबी आप उसके आधार पर टैली में पूरा वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें।